शराब पीना एक बुरी आदत है, वहीं शराब पीकर अगर शराबी हंगामा करे तो वो उसे हवालात की हवा भी खिला सकती है। दरअसल मुंबई से लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान AI-131 में एक विदेशी महिला ने शराब पीकर जमकर उत्पात मचाया। सोशल मीडिया में वायरल हुआ ये वीडियो 10 नवंबर का है, जिसमें साफ दिख रहा है कि एक आयरिश महिला क्रू मेंबर्स के साथ झगड़ा कर रही है। विमान के लंदन एयरपोर्ट पर लैंड करते ही क्रू मेंबर ने इसकी शिकायत सिक्योरिटी स्टाफ से की। आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया गया। आयरलैंड की एक महिला क्रू मेंबर से और शराब की मांग कर रही थी, लेकिन नशे में चूर महिला को फ्लाइट के क्रू मेंबर ने शराब देने से मना कर दिया, जिस पर गुस्साई महिला ने क्रू के सदस्यों के साथ हाथापाई की और खूब खरी खोटी सुनाई। मौके पर रिकॉर्ड किए गए वीडियो में महिला को कई बार गालियां देते सुना जा सकता है। महिला ने यह भी कहा कि आप लोग पैसा तो पूरा लेते हैं, लेकिन फ्लाइट में सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं देते। महिला के बारे में बताया जा रहा है कि वो फिलिस्तीनियों और रोहिंग्या मुसलमानों के मानवाधिकारों के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉयर के तौर पर काम करती हैं। सोशल मीडिया पर खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को और हमें सब्सक्राइब भी करें। शराब पीना एक बुरी आदत है, वहीं शराब पीकर अगर शराबी हंगामा करे तो वो उसे हवालात की हवा भी खिला सकती है। दरअसल मुंबई से लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान AI-131 में एक विदेशी महिला ने शराब पीकर जमकर उत्पात मचाया। सोशल मीडिया में वायरल हुआ ये वीडियो 10 नवंबर का है, जिसमें साफ दिख रहा है कि एक आयरिश महिला क्रू मेंबर्स के साथ झगड़ा कर रही है। विमान के लंदन एयरपोर्ट पर लैंड करते ही क्रू मेंबर ने इसकी शिकायत सिक्योरिटी स्टाफ से की। आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया गया। आयरलैंड की एक महिला क्रू मेंबर से और शराब की मांग कर रही थी, लेकिन नशे में चूर महिला को फ्लाइट के क्रू मेंबर ने शराब देने से मना कर दिया, जिस पर गुस्साई महिला ने क्रू के सदस्यों के साथ हाथापाई की और खूब खरी खोटी सुनाई। मौके पर रिकॉर्ड किए गए वीडियो में महिला को कई बार गालियां देते सुना जा सकता है। महिला ने यह भी कहा कि आप लोग पैसा तो पूरा लेते हैं, लेकिन फ्लाइट में सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं देते। महिला के बारे में बताया जा रहा है कि वो फिलिस्तीनियों और रोहिंग्या मुसलमानों के मानवाधिकारों के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉयर के तौर पर काम करती हैं। सोशल मीडिया पर खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को और हमें सब्सक्राइब भी करें।